खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने आप सोच आपको बहुत सी छोटी छोटी टिप्स दी हैं, बहुत से और अन्य काम भी हम कर सकते हैं। अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए हम कबड्डी कबड्डी बोलते अपने श्वास को बढ़ा सकते हैं, सूर्य नमस्कार, हम ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ भी लगा सकते हैं। हम एक ऐसा खेल मैं बताता हूँ, बचपन में हम खेल के नाते भी खेलते थे, सज़ा के नाते भी इसको प्राप्त करते थे, लेकिन हमारे अध्यापक कहा करते थे ये सज़ा नहीं है, ये आपके शरीर के लाभ के लिए कराया जा रहा है। आप हैरान होंगे, आजकल तो उसको कोई सोच भी नहीं सकता, और वो होता था मुर्गा व्यायाम, स्वयं मुर्गा बन करके। और एक बार आप देखिए आपके टांगों की, आपकी गर्दन की, आपकी कमर की, आपकी पीठ की कितने व्यायाम हो जाते हैं। हमारे खिलाड़ियों को निश्चित रूप से ओलंपिक खेलों के एक वर्ष टल जाने की भी पीड़ा अवश्य हुई होगी, लेकिन मेरा कहना है कि इससे निराश नहीं होना है। आखिर समय के हिसाब से निर्णय होते हैं, उसका पालन उनको करना पड़ता है। अब ये एक वर्ष क्योंकि आगे बढ़े हैं, तो हम तो ये कहेंगे इसकी तैयारी के लिए हमको एक वर्ष का समय और मिला है, और ज़्यादा मेहनत करके और इसका परिणाम हम हरियाणा के मिट्टी के लिए लेकर के आएँ। हरियाणा की मिट्टी के नौजवान अपने प्रदेश और देश के तिरंगे को ऊंचा किए हुए हैं। इस कार्य को करने में हमको आनंद भी आता है, और लगातार हम अपनी हरियाणा की मिट्टी का महत्व बढ़ाते रहें। शिक्षा, खेल, इसके साथ साथ आखिर तो हम अपने परिवार के भी सदस्य हैं, और हमें अपने परिवार के लोगों के साथ भी एक अच्छा अवसर बिताने का समय मिला है। इन दिनों में परिवार का हर व्यक्ति अपने आप को अकेला अकेला महसूस कर रहा है। ध्यान रहे, हमारा दायित्व है कि हम किसी को बहुत अकेला महसूस न करने दें, बल्कि परिवार के सब लोगों के साथ बातचीत करते रहें। परिवार में यदि बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, तो उनके साथ बैठ करके इतिहास की बातें उनसे हम साझा कर सकते हैं। कई बार बहुत प्रेरणादायक बातें भी उनसे सुनने को हमको मिलती हैं। मुझे तो अपना पता है कि हमारी दादी जब देश का विभाजन हुआ 1947 में, भारत से पाकिस्तान अलग बना था, उस समय की घटनाएं हमारी दादी की आंखों देखे जो हमको सुनाती थी, हमारा भी खून खौलता था, और उसमें से एक देशभक्ति का भाव जाने अनजाने ये दिलो दिमाग पर बैठ गया, जिसका आज तक भी हमको लाभ है, उसका प्रभाव हमारे दिलो दिमाग पर आज पर भी है। ऐसे ही हम अपने बुजुर्गों से किस प्रकार से बातचीत करें। हमारे युवक बहुत से ऐसे हैं जो अपने परिवार के अंदर बहुत तरह के काम कर रहे हैं, जैसे आज मैंने बातचीत की युवकों से, एक हमारी बेटी, भिवानी की बेटी कोमल पंवार, उनसे हमने बातचीत की, सुनिए बातचीत के अंश। तो मैं तो इसलिए फोन कर रहा हूँ कि आजकल लॉकडाउन में सबको हमने घर में रहने के लिए कहा हुआ है, आप घर से बाहर तो नहीं कहीं घूमते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो घर में रह करके अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं? तो पढ़ाई कर रही हूँ मैं, तो उसी में होता है सारा यूज। और अभी तो जो रामायण और का प्रसारण होता है तो दो बार वो देख लेते हैं, बचपन से जो देखते आए हैं। और नई नई बातें क्या है करने को मिल रही? सर नई बातें हैं कि जो अभी तो पूरा चल रहा है तो लॉकडाउन में मम्मी भी जैसे घर पे ही रहती है, तो थोड़ा मम्मी का पढ़ाई लिखाई हो जाती है, कुछ नया करने को मिल जाता है। मुझे पता लगा कि आप मम्मी को भी पढ़ाती हैं। जी सर, थोड़ा थोड़ा। देखो कितना बड़ा लाभ हो रहा है कि मम्मी आप भी पढ़ रही हैं, मम्मी को भी पढ़ा रही हैं। जी, देखा आपने किस प्रकार से बेटी कोमल पढ़ाई के साथ साथ रामायण से मनोरंजन भी करती करवाती हैं, और साथ ही अपने माता जी को अंग्रेजी सिखाती हैं। अब उनको अपनी माता जी को अंग्रेजी सिखाते हुए कितना आनंद आ रहा होगा, और माता जी को भी कितना बढ़िया लग रहा होगा। ऐसे नए नए काम हम भी अपने परिवार के साथ बैठ करके कर सकते हैं, और न केवल अपने परिवार में बल्कि अपने पड़ोसी परिवार, आसपास के परिवारों को यदि अकस्मात किसी बात की आवश्यकता होती है, उनकी भी हम अवश्य मदद करें। खुद को, परिवार के सदस्यों को मनोवैज्ञानिक तौर पर भी हमको स्वस्थ रखना होगा, उनको हर बात के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि स्थिति बड़ी विचित्र है, अनिश्चितता की स्थिति है, और यह अनिश्चितता की स्थिति को हमेशा एक असमंजस में जो स्थिति रहती है, उस बात के लिए हमको तैयार करना है, क्योंकि कहा जाता है कि अनिश्चितता जीवन की खूबसूरती है, इसको स्वीकार करना ही चाहिए। इसी संदर्भ में एक युवक कर्ण एलावादी बहादुरगढ़ से
जो बातचीत हुई उसके अंश सुनिए। आप लॉकडाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी सर बिल्कुल, मतलब अपने लिए भी और परिवार वालों के लिए भी और आसपास देश वालों के लिए भी, ये तो बहुत जरूरी है। तो क्या क्या चीजें नई आप कर रहे हैं जिसका आपको भी लाभ हो, परिवार को लाभ हो, समाज को लाभ हो, ऐसी कोई नई बातें कर रहे हैं? जी सर कुछ नई चीजें अभी अभी करी हैं, अपनाई हैं, जो पहले नहीं कर पाए थे हम लोग। जैसे कि सर पहले अपने ही परिवार में उतनी ज्यादा कॉन्वर्जेशंस नहीं होती थी कि जीवन में क्या चल रहा है, किस तरह की सोच है, अभी जो हम देश के लिए इस समय पर क्या कर सकते हैं, तो वो नई चीजें आपस में घर में ही बातें होनी शुरू हो गई। और पहले फोन पे बात करते थे आपस में उस तरह से, मगर अब जब एक कमरे में बैठते हैं, भले वो रामायण या महाभारत देखने के बहाने भी बैठते हो, तो भी जितनी ज्यादा से ज्यादा बातें होती हैं। उसी तरह से पहले घर में ज्यादातर काम केवल मेरी माँ को करना पड़ता था, लेकिन अब हमने सोचा कि ऐसा अब नहीं है, नया समाज है, नया जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं उसी तरह से क्यों ना मैं, मेरा भाई, मेरे पिताजी, हम लोग भी हाथ बटाएं। युवाओं में एक धारणा और होती है कि हम तो युवा हैं, इम्यूनिटी पावर हमारे अंदर बहुत मजबूत है, वायरस हमारा क्या बिगाड़ेगा। इस गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि कहा जाता है कि खतरे को न स्वीकारना ये अपने आप में एक नया खतरा होता है। मन में हमारे बहुत नए नए विचार भी आएंगे, हम चूंकि नवयुवक हैं, लेकिन इन विचारों का उपयोग हम रचनात्मक कामों में लगाएं, हम परिवार के साथ मिलने जुलने में लगाएं, हम घर में रह करके कोरोना से कैसे लड़ना है इसका हमेशा विचार करें। कोरोना से लड़ने के लिए मैं एक मंत्र 3S मंत्र देता हूं, यानी पहला है स्टे एट होम, दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा है सैनिटाइज योर सेल्फ। अर्थात हम घर पर रहें, हम सोशल डिस्टेंसिंग यानी एकांत में रहें, लोगों से मिलना जुलना ना कर रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं और हाथों को मुंह, नाक और आंख तक न ले जाएं, इससे न छुएं। इस प्रकार से हम कोरोना की इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। युवाओं को अपने आप को वॉलंटियर बनकर के भी समाज के अंदर काम करना है, चाहे हमारी सप्लाई चेन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव काम के नाते से योजनाएं बनाई जाए उसके अंदर साथ रहें और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में सहयोग करें। इस कोरोना के युद्ध में बहुत से लोग जिनको हम रियल हीरो कह सकते हैं वो भी समस्या को जूझने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, चाहे हमारे बीच में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल्स हैं, चाहे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं, हमारे बीच में पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, हमारे बीच में स्वच्छताकर्मी, ये सब लोग काम कर रहे हैं। आखिर ये भी अपने परिवारों को घर में रख करके और फील्ड में काम कर रहे हैं, फील्ड में काम करते हुए, नौकरी करते हुए सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां हम अपने परिवार की चिंता करें, ऐसे हमारे राष्ट्र रक्षक, ऐसे हमारे रियल हीरो, इनके परिवारों की हम चिंता अवश्य करें। अंत में मैं आप सब युवाओं से अपील करना चाहता हूं, हम जैसे लगातार सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर हम बहुत निर्भर हो गए हैं क्योंकि बाहर की बातें हमको मिलती नहीं हैं। सोशल मीडिया अच्छी बातें भी हमको दे रहा है, सोशल मीडिया कुछ हमको गलत खबरें भी दे रहा है, अफवाहें भी फैला रहा है। सोशल मीडिया के बारे में पहले तो कभी कहा जाता था कि सोशल मीडिया झूठ का पुलिंदा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं अभी कहूँगा कि सोशल मीडिया की सब बातों पर विश्वास नहीं रखना, खास करके जो समाज को बांटने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर हमको भरोसा नहीं रखना है। ऐसे यदि खबरें आती हैं तो उसके लिए हमको लोगों को समझाना भी है ताकि गलत खबरों पर वो विश्वास न रखें। परिस्थितियाँ समय समय पर बदलती हैं और बहुत सी ऐसे गलत दुखद समाचार भी हमको समय समय पर मिलेंगे, लेकिन संतुलन बना करके रखना है। एक और विषय जो आजकल कोरोना के संबंध की कई खबरों से समाज के अंदर विघटन की खबरें भी ये लगातार आती हैं, हमें इसके अंदर अपनी राष्ट्रीय सोच को बना करके जाति से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर सब लोगों को एक होकर के चलना है, यही संदेश हमको लगातार देते रहना है, यह हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। हम लगातार ये कोशिश करते रहेंगे तो अपने उचित कदमों को आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसा कहा जाता है लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की
कभी हार नहीं होती, कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये समय हमें वीरों को अपनी वीरता दिखाने का है। उन वीरों की कहानियां याद करें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया है। हम कोई ऐसा काम अवश्य करें कि लॉकडाउन समाप्त होने पर हमें इस समय पर गर्व हो कि हमने ऐसा काम किया था। भारत माँ की लाज बचाना है। कभी आने वाले समय में ऐसा ना कोई कहे कि हमारे बच्चों ने उस समय उचित काम नहीं किया, ये बात कभी सुनने को न मिले। इस प्रकार युवाओं को अपना दायित्व तो समझते हुए ये कोरोना का लॉकडाउन का पीरियड इसका सदुपयोग करें, यही आपसे निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।